आज हम एक अवध नर्सरी है मलियावाद में, वहाँ पर आए हुए नर्सरी विजिट है और देखते हैं कि वहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हाईवे के पास में है और बहुत बढ़िया नर्सरी है, तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कैसे किस स्थान में आए हुए हैं। और आप देखिए ये है अवध नर्सरी और इसका बोर्ड आप देख रहे हैं, ये मलियाबाद में स्थित है और ये मुजासा पोस्ट मलियाबाद में है और यहाँ पर इनका पूरा जहाँ ग्राफ्टिंग और बड़े रंगीन पौधों की नर्सरी है तो उसी की विजिट आज करना है। हम मिलाते हैं वहाँ के ओनर। जी बताइए, ये जो आप देख रहे हैं जी, जो ये सुरखा वर्मा, सुरखा वर्मा जी, इसका भी रंग लाल होता है, लाल हल्का पीला और सबसे पहले पकता है, दशहरी से पहले पकता है। ये भी खाने में बहुत अच्छा आम होता है सुरखा वर्मा। ये हाँ, ये गुलाब खास लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं, ये सब ऊपर में, ये सब गुलाब खास है, ये हल्की छाया है, जो आम पे पकता है तो लाल हो जाता है। ये देखिए इसका अभी तो हल्की छाया में, धूप पड़ती है पकने पे लाल हो जाता, लाल पीला हो जाता है। ये भी बहुत बढ़िया आम खाने, बहुत इसका बहुत, इसमें गुलाब की खुशबू होती है, सामने खुशबूदार होता है, गुलाब की खुशबू होती है, शाम के टाइम काफी महकता है फूल इसका। ये देखिए अमरपाली लगा हुआ है, हाँ इधर से आइए, ये देखिए अमरपाली लगा हुआ है, ये देखिए ये अमरपाली है, ये गुच्छों में हर साल आम आता है इसमें। ये जो अमरपाली है, ये देखिए सब काफी, अरे बहुत, ये हर साल आम फलता, फलता ही बहुत होती है, फलन भी काफी होती है इसमें और काफी मीठा होता पकने पे ये। ये देखिए ये भास्त्रा बारामासी, अब इसकी भास्त्रा बारामासी है, अब इसकी आप फलन दे सकते हैं, सब गुच्छों में फलता है। अब देखिए सब गुच्छों में पांच पांच छह छह एक एक साथ में, ये साल में तीन बार आता है। अच्छा, गर्मी में भी ऐसा फल लगता है? हाँ बिल्कुल, सब इसमें देखिए आम लग रहे हैं, आम लग भी रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं ये पूरे पूरे गुच्छे, इधर से आइए आप, इधर देखिए पूरे गुच्छे लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं भी लगे, बड़े हर लगा हुआ पूरा गुच्छा आता है, इधर देखिए सब काफी, ये देखिए इधर देखिए सब आम देखिए, ये देखिए पूरा आम का साइज देखिए, काफी बड़ा आम होता है, 600 ग्राम का आम होता है भास्त्रा बारामासी, साल में तीन बार आता है, खाने बहुत मीठा बढ़िया आम होता है। और ये देख सकते हैं आप बनाना मैंगो, अभी देखिए ये बनाना मैंगो लगा हुआ है, ये देखिए बनाना मैंगो, ये है बनाना, ये सब देखिए ये अब पकने वाला है, ये सब देखिए इसमें पैक भी है। और ये देखिए आइए इधर आइए, हाँ अर्ली वरायटी है, ये तो वरायटी लगी हुई अलग अलग सब। ये देखिए ये भी अंबिका, सबसे पुराना पेड़ अंबिका का लगा हुआ है, 10 साल पुराना, ये कलम 10 साल पुराना पेड़ होगा, कलम लगाते हैं। अब देखिए इसके पौधे नहीं, इसके में कम अभी कलम ने तैयार की है, अभी लमसम 2000 पौधा बन गया है, कोई पुराना अभी, और अभी जुलाई में बनेगा अभी। ये देखिए अंबिका का साइज देखिए पहले इसका, ये देखिए कितना बड़ा आम लगा अंदर, ये देखिए इसमें काफी बड़े बड़े आम, कम से कम 500 ग्राम 600 ग्राम के आम लगे होंगे अभी, ये आप देख सकते हैं, इधर देखिए काफी आम लगा हुआ है, ये देखिए ये गुच्छों में, सब पूरा गुच्छों में लगता है पूरा, ये देख सकते हैं पूरा ऊपर भी, अरे बहुत आम कम में लगा होगा, हमारे में लमसम काफी आम लगा हुआ है। 10 साल के पौधे में करीब कितने किलो आम निकला था इसमें? इसमें माँ के लिए पिछले साल निकला था करीब 1.5 क्विंटल के आसपास। ये आम छिलका है, यहाँ नर्सरी भी होता है, यहाँ रोज लगता है कमर्शियली, वो पानी भी लगता है, पानी लगता तो आम उतना झड़ जाता है, बहुत झड़ हो जाता है ना, हाँ क्योंकि यहाँ पानी भी, ये नर्सरी भी इसी पौधे भी तैयार होते हैं। अब देखिए यह अरुण का लगा हुआ है, देखिए सर ये देखिए अरुण का, अरुणी का जी, ये बागवानी संस्थान वाले,
बायोसेंसन वाली है, ये हर साल आम आता है, हर साल फलता है, देखिए काफी। नहीं ये अभी तो 10 साल नहीं, ये अभी ज्यादा नहीं हुआ है, लगभग 7-8 साल पौधा है, 8 साल का है। देखिए ये हर साल आता है, बहुत फलता है, जितना देख जितना कम समझो उतना कम है इसमें। अब देखिए पूरा रंग भी देखिए इसका, इधर आके इधर आइए रंग दिखा दें आपका, ये देखिए इसका रंग देखिए कितना रंग खाली, आप देखिए बिल्कुल। ये है अरुणिका, अरुणिका मैंगो है, बहुत बेहतरीन है, हर साल आता है, किसान भाइयों के लिए सबसे बेहतरीन चीज है अरुणिका। कम दूरी पे 10x12 लगा सकते हैं, 10x12 लगा दीजिए, फसल भी अच्छी होती, छोटा पौधा रहता है। करीब आएंगे तो 400 पौधे, जहाँ मान लीजिए लमसम 400 से कम पौधा आएगा। फलने के लिए फलन सबसे अच्छा, रेट भी अच्छे मिलते हैं इसका, रंगीन की वैरायटी के तो रंगीन रंगीन आमों का रेट तो समझ लीजिए, रंगीन आमों का रेट समझ लीजिए 400 रुपए किलो, 300 रुपए किलो अच्छे रेट मिल जाता है। ये देखिए और उनका ये भी लगा हुआ, हमारे पास काफी और उनका पौधे लगे हैं, ये देखिए सर, ये देखिए सर पूरा पूरा और उनका लगा पूरा। ये करिए हमारे पास कम दिन में भी 100 पौधे 50-60-100 पौधे तो लगाए, और काफी लगे हुए हैं फल, काफी बोर हमने तोड़वा दिया है। अब इसको ऊपर देख सकते हैं कितना लगा हुआ है, इधर से देखिए फला हुआ है, तो आप देखिए पत्ते कम या आम ज्यादा, सब आम ही आम है पूरा, ये देखिए सब खाली रंग। अब इसका साइज देखिए कितना बनावटी का साइज देखिए, बिल्कुल अलग दिखता है बनाने में, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल का शेप पूरा शेप जैसा, बिल्कुल अलग ही आम इसका, बहुत इसका आम का टेस्ट जो है बहुत बढ़िया है, इसीलिए इसको भविष्य का आम बोला गया, बस बहुत अच्छा होता है। अब ये देखिए हाँ अब ये देख सकते हैं, नाजुक बदन है? नाजुक बदन देखिए, ये भी बहुत रोचक नाम इसका है, नाजुक बदन है इसका, अभी इसका रंग नहीं नहीं इसमें आप इधर आइए, इसमें इसमें रंग आ गया है, आपको दिखा दें दोस्तों कितनी बड़ी नर्सरी है यहाँ, देखिए तो आपको जो किसान भाई देख रहे हैं उनको पौधे के नंबर से कोई मतलब, जितने चाहे उतने ले, ये देखिए नाजुक बदन, ये नाजुक बदन है, ये देखिए सब आम ही आम लगा हुआ, ये सब अमरपाली है, ये अमरपाली है, आप अमरपाली के पौधे तैयार हैं, पौधे चाहिए ये देखिए, डिमांड होगी वो, ये सब टोटल अमरपाली के प्लांट लगे हुए हैं, ये आपकी यहाँ लोकल प्रोडक्शन है, ये सब अपना के तैयार, अपना खुद का तैयार है। ये अभी लोड होना था तो पौधा उधर बीच में एकदम से गर्मी पड़ गई, एकदम से गर्मी और लू चली, लुग में सब पत्ते सब जल गए। अब इसको फिर से जो ऑर्डर जो माल ऑर्डर में देना है, इसमें जो अच्छा पौधा जाएगा, बाकी जो पत्ता झड़ गया है, पत्ता निकल भी रहा है, देखिए सब देखिए पत्ता निकल भी रहा है, ये सब पत्ता निकल भी रहा है, यही सब इसको कैरी में अच्छी नर्सरी की यही पहचान है, उन्होंने जो है अगर इस तरह का मौसम एकदम से परिवर्तन हो गया, उन्होंने माल, क्योंकि ये जो प्लांट अब जो हमारे पास देख रहे हैं, ये किसान भाई हमारे बदायूं के, अच्छा बदायूं जी, ये उनको पिछले साल भी कह रहे, पिछली बार पौधा उनको मलका भेजा था 2000 पौधा, तो इस बार हमारे पाली इनकी जाएगी 3000 पौधा, तो उनका कम से कम काफी बड़ा बाग लगा रहे हैं, उनके पहले से भी बाग लगी भी है हमारे पाली की, लेकिन और बिल लगा जो बदन का देखिए पत्ती थोड़ी सी पतली होती है, और इसका रेखा की तरह पत्ती इसकी है, देखिए इसका साइज देखिए, अभी रंग अभी रंग भी बहुत अच्छा इसमें आता है, ये सब पौधे तैयार पौधे हैं सभी, इसमें इसमें आपका पौधा तो रेडी होगा, के देंगे नहीं तो थैली में पौधे हैं, देखिए इसमें हमारा ये वैसे खोद के नहीं देते, अब वो सिस्टम बदल गया, सब पॉलिथीन में है, आज से 25 ये सब थैली में पौधे हैं, इसमें आपका मोहन भोग होगा, जरदालू होगा, गौरजीत भी होगा, अच्छा गौरजीत भी इसमें इसमें वाला, हाँ खुशबू वाला जो सबसे मीठा आम होता है ये सब इसमें, गौरजीत बहुत ज्यादा, हाँ ये देखिए जरदालू लगा हुआ है, सब जरदालू है, सब में गौरजीत जो है बहुत फेमस आम है, और सबसे ज्यादा खुशबूदार आम वही, ये अरुणमा लगा हुआ है, अरुणमा पूसा का, ये सब अरुणमा लगा हुआ है, इसमें हमारे बहुत सी वैरायटीज में सब इसी में मिक्स है, सब इसमें बाद में अब सब निकलेगी। ये देखिए एक हम आपको दिखा, एक जो मैंगो है सिंधु, सिंधु सिंधु आपको दिखाते हैं, ये देखिए सिंधु, ये देख सकते हैं, ये देखिए पत्ते कम आम ज्यादा, पत्ते कम है आम ज्यादा है, ये भी रंगीन आम होता है, ये भी रंगीन, तो अच्छा रंगीन का ही फैशन आ गया, रंगीन की डिमांड ज्यादा रहती है, ये देखते हैं, तो अभी यहाँ के बाग के रिप्लेस हो रहे हैं रंगीन आमों से अगल बगल, हाँ यहाँ लग भी रहे हैं लोग इसे, अभी हमारे दशहरी के बाग थी
हमने इसमें दशहरी में ज्यादा प्रॉफिट नहीं होती, नुकसान नुकसान ज्यादा सस्ता भी, तो हम लोग कटवा के हमने सब अंबिकार उनका यही सब लगा दिया, इसमें हम लोग को थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मुनाफा दिख रहा है। इसमें चौसा लगा रहे हैं, इन सब चीजों में प्रॉफिट आम में ज्यादा है। अब लेट आम जो लेट आम चल रहे हैं, लेट आमों में आमदनी ज्यादा मिलती है, स्प्रे अच्छे मिलते हैं। देखिए कलर कितना अच्छा आ गया, ये है सिंधु, देखिए रंग थोड़ा छोटा होता है ना? नहीं ज्यादा फलने तो छोटा हो गया, अपने इसका भी अच्छा होता है। इस बार ज्यादा फसल आ गई, फल ज्यादा आ गया है, फल ज्यादा आ गया, इसका साइज कम हो गया। थिनिंग कर देते, अब देखिए कलर इसका, अगर इसकी थिनिंग पहले हो नहीं, अभी हो जाएगी, अभी इसके भी कलम कुछ अभी कुछ कलर बन जाएंगे, कुछ भी कुछ कलर कटेगा। ये आम ज्यादा आने से थोड़ा दिक्कत हो गई है। अब आप देखिए ये है इनकी, सब पौधे सब भी बीजू है, इस पर ग्राफ्टिंग हो गया, सब नहीं ये सब बीजू है, हाँ अभी इसी में सब ग्राफ्ट होंगे। ये जो इन लोगों का सिस्टम ये है, कलमी आम की, कलमी हम लोग कलमी आम की सब ग्राफ्टिंग करते हैं। हाँ जो भी हो जितना भी कलमी आम है, जैसे कलमी आम में जितनी भी गुठली है वो सब हम लोग जितना भी आप कलमी आम का बीज हुआ ही है। इधर चीकू लगा हुआ है, कम से कम दो तीन क्विंटल चीकू लगा था। हमारे पास चीकू कम से कम नहीं, तो चीकू के जाल लगाए हैं, देख सकते हैं कलापत, देखिए चीकू के जाल लगा दिए हैं, ये देखिए चीकू चमगादड़ वगैरह, रात में चमगादड़ वगैरह जो, हाँ वो जो ना उस पे ना पकड़ रहे अब ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते वनराज। अच्छा ये वही वनराज है जिसके और आम्रपाली से अर्णिका मैंगो बना, ये देख सकते हैं वही वनराज। ये देखिए इसका रंग देखिए आके आप, सेम बनावटी और उनके की जैसी है इसकी। हाँ ये बड़ा है वो बस थोड़ा सा, बस देखिए सेम वही बनावटी वही सब कुछ वही सेम ऐसे लग रहा है अरुण का, ये सेम अरुण का ही सेम काम है, ये बिल्कुल बनावटी अरुण का की है, अरुणका का पापा माँ बाप है। हाँ ये देखिए बिल्कुल सेम, आप देखेंगे करीब से बिल्कुल वही आ गया, थोड़ा सा साइज बड़ा। हाँ हाँ ये सब इसमें मलका तैयार होता है हमारे में, ये मलका के मदर प्लांट है, इसमें मलका हमारा मलका रेडी होता है मलका के। हाँ ये सब पूरा मलका है, ये सब मलका के, ये मलका के मदर प्लांट लगे हुए हैं, ये देखिए ये सब मलका के मदर प्लांट लगे हुए हैं। इससे बड़े बड़े आम मलका के, इससे बड़े बड़े भी आम, इससे बड़े आम लगे हमारे मलका के हमारे पास। ये जो बड़ा बड़ा आम लगा ये क्या है? ये सब मलका है, ये पूरा मलका का हमारा, ये मलका का एरिया है पूरा, यहाँ पे मलका ही ग्राफ्टिंग होता है, यहाँ पे जो है टोटल मलका ग्राफ्टिंग होता है। ये देखिए अरुण का ये लगा हुआ है, अरुणिका ये भी अरुण का है, अरुण का के पौधे आपके पास बहुत बहुत पौधे हैं, एक दो नहीं बहुत पौधे हैं, सबसे ज्यादा पौधे हमारे पास, सबसे ज्यादा पौधे रंगीन में जो मिलेंगे तो अरुण का अंबिका का ही मिलेगा सबसे ज्यादा हमारे पास। लखनऊ की दो वैरायटियां हैं, लखनऊ जो बागवानी संस्थान की दो वैरायटियां हैं, अरुणिका और अंबिका। अरुणिका जो है बंदाज और याद है मक्खन लगा हुआ है। अच्छा ये सामने ये जो लगा हुआ है जो आप बड़ा देख रहे हैं, ये मक्खन है, मक्खन लगाई जी, मक्खन मैंगो बहुत बढ़िया होता है खाने में इसका, देखिए पका हुआ गिरा हुआ है, देखिए इसका अभी ताजा गिरा है बस, बहुत बढ़िया अभी रंग नहीं इसका लाल होता है, ये समझ मक्खन। भाई अभी बिल्कुल ताजा ताजा गिरा हुआ है, अभी इधर से आ सकते हैं पौधा हमारा, ये इधर से ये बात अभी देख से मलका लगा हुआ है सब, ये अभी देख सकते हैं ये सब मलका लगा हुआ है, मलका एक मलका, एक एक मलका तीन तीन पाव का बीस हो गया है, ये तीन पाव ये तो अगस्त में बहुत लेट पकता है, लेट बहुत काफी लेट में। हाँ अच्छा अंबिका, अंबिका भी लेट बैठी, सब ये सब लेट बैठी हैं। अब देखिए देखिए मलका, अब देखिए कम ना अभी से तीन पाव के हो गए हैं ये,
अभी देखिए ये चिकू, ये काला पत्ती है, काला पत्ती सबसे अच्छी वैरायटी है जहाँ तक मुझे लगता है। ये चिकू हम लोग अब चिकू अपने ही ग्राफ्ट, अपने ग्राफ्ट के अपने ही बेचते हैं। अच्छा अच्छा, फलता भी बहुत है इसी में पूरा काफी फल। ये हमारे जितने ये बाकी जितने पौधे ये लगे हुए हैं हमारे, ये आप देख सकते हैं इसमें लग गया पानी लगा दिया गया, इसमें पानी लगा दिया गया। इसमें आपका जितनी वैरायटी आम के जो जितने भी हमने आपको दिखाए हैं ये सारे प्रजाति के आम इसमें तैयार हैं पूरे में। देखिए इसमें अरुण का भी होगा, अरुण का, अंबिका, संसद, टॉमी एटकिन, गौरजीत, पत्ती से पहचान जाते हैं सब, पत्ती से पहचानते हैं। इसमें कम दिखाने हमारे इस इतने में ही कम कई वैरायटी सब देखे, काफी हजारों तादाद में पौधा तैयार है हमारे पास, हजारों तादाद में समझिए काफी। हमारी देख रहे हैं उनको पौधे के नंबर से कोई मतलब नहीं, हजार, दो हजार, चार हजार, पांच हजार जितने भी लेंगे। देखिए काफी ये देखिए आ कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, वैसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। हाँ ये देखिए काफी बड़े आपको जैसे अमरपाली, मलका, चौसा, लिंगड़ा, आठ दस फीट जितने बड़े पौधे उतने बड़े पौधे मिल जाएंगे। अच्छा अभी बड़े पौधे जितना आप तो बड़े पौधों का क्रेज आ गया है अब, चौसा किसान भाई लोग अब जैसे चौसा की बड़ी मांग कर लेंगे। ये देखिए मियादा की मैंगो है। अच्छा मियादा की, देखिए भाई ये जापानी वैरायटी है, आप देख रहे हैं ये बहुत प्रचलित और बहुत ही फेमस आम है। देखिए रंग अब इसका रंग बढ़िया बन रहा है, हमारा जैसे आम है थोड़ा सा लंबा है। देखिए अब इस पर रंग बिल्कुल अब बिल्कुल ये जापान की वैरायटी है, अब रंग इसके बढ़िया बनना है। ये सिर्फ बड़े पौधे आपके पास हैं क्या? बड़े यही लगाए हैं अभी हमने, करीब 50 पौधे लगाए हैं इसके। अच्छा इसके 50 पौधे यहाँ पर लगे हैं, जापान की वैरायटी। अब वो दिन दूर नहीं जब आपको ये फल यहाँ खाने के लिए मिल ही जाएगा। अब ये देख सकते हैं पूरे में पानी लग गया है काफी। ये किन्नू लगा हुआ है। अच्छा ये किन्नू फल आ रहा है, किन्नू का पौधा। आप से इतना समय लिया आपका, और आफ्ताब जी बहुत बिजी रहते हैं, उन्होंने अपना समय निकाला यहाँ पर, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपके पास जो लोग हमारे किसान भाई देख रहे हैं वो हम सर का नंबर जो है इस पे डाल देंगे, तो वो अपना इनसे से बात करके अगर वो चाहते हैं कितने नंबर ऑफ प्लांट आम आम के, तो सीधे बात करके और फोटो देखकर अपना रेट वेट देख के कर सकते हैं आराम से। और बेसिक तो ये रहेगा अगर वो लोग यहाँ आकर खरीदेंगे ज़्यादा बेहतर। जैसे ये होता है कुछ जैसे जो लोग पौधे ऑनलाइन मंगाते हैं, अगर वो यहाँ आके पौधा ले उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग यहाँ आए हैं। अब ऑनलाइन मंगाने तो क्या ऑनलाइन भेज दिया, अब यहाँ आने जाओगे कि देखते हैं कि इतनी बड़ी नर्सरी में लोग कितनी मेहनत कितने क्या पौधे लग रहे हैं कैसे क्या है, तो रेट भी कम पड़ेगा। ऑनलाइन में खर्चा ज़्यादा आता है, आप 70 रुपये किलो का चाल लेता है, 70 रुपये किलो का खर्चा आता है। अब मान लिया आपने 5-10 पौधे लिए तो 2000 रुपये तो खाली किराए पौधे का हो गया, और कुछ पौधे पहुंच गए कुछ पौधे नुकसान भी होते हैं तो महंगा पड़ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सामने यहाँ आते हैं सामने पौधे साथ में पौधे लिए लेके चले गए तो पौधे थोड़ा कम खर्चे में पौधे पहुंच जाते हैं। और क्योंकि आप जब लोग किसान भाई जो हमारे देख रहे हैं वो लोग यहाँ जुलाई 15 के बाद संपर्क करें। जी जी लमसम 15 जुलाई के बाद पौधा में रेडी हो जाएगा, तैयार है ये, लेकिन अभी हम लोग पौधा दे नहीं रहे हैं। अभी क्या है गर्मी ज़्यादा है, जो पौधा जाएगा लोग ले जाते हैं, आजकल मौसम लगाते हैं तो पौधे को बचाना बहुत दिक्कत पड़ता है। पौधा का लेना हो सबसे अच्छा मौसम अगस्त होता है, जुलाई के लास्ट में आइए, सबसे बढ़िया लगाने का सबसे अच्छा सीजन होता है लगाने का, पौधा बहुत बढ़िया चलता है पौधा उस टाइम में। हाँ जब आप हम अगले वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लगाने की विधि भी सर से पूछेंगे। जी जी कि कैसे लगाएंगे पौधे हमारा पास बहुत तैयार है। ब्रीफ में बता दिया था भाई, जैसे मान लीजिए जो भी आप किसान भाई देख रहे हैं वो चाहते हैं कि हम अगर से पौधा लगाएं जी, तो कुछ तैयारी हो तो वो शॉर्ट में बता दीजिए। उसे पौधा के मना कुछ लिए होते हैं गड्ढे 2 महीना 1 महीना पहले तैयार कर लिए जाते हैं। जैसे हमने 2x2 गड्ढे खोद कर तैयार किया बढ़िया, 25% गोबर खाद और थोड़ा सा नीम खली ये सब मिला के गड्ढे रेडी कर पानी भर के उसको पानी भरते रहे तो गड्ढे में थोड़ा घास की गर्मी जो भी होती है जो निकलती रहा अच्छी हो जाए, फिर सीधा अगस्त में जाके पौधे उसमें लगाना है। मतलब है कि थोड़ी खाद हमने जी जी हमने इससे पौधे लगाना है, हमने गड्ढे खुदवा कर छोड़ दिए। अब जितने भी हमको जो भी रंगीन वेटी लगाना है हमको सिर्फ लगाना है। अब देखिए हमने खुद पौधे लगाए, देख कितनी दूरी पौधे लगे हुए हैं। अब एक पेड़ लगा है, एक पेड़ लगा है 6 फीट की दूरी है पौधे से पौधे, 6 फीट की दूरी है। अब फिर पौधे से पौधे सामने लगा दिए 10 फीट की दूरी पे, 10 फीट का रास्ता छोड़ देते हम लोग, ट्रैक्टर पे चला जाए। हाँ ये चीज है। धन्यवाद आफ्ताब जी, बहुत बहुत आपका ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय दिया।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।